ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमीरपुर पहुंचे, जहां निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय निषाद और जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह परिहार समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार विश्व मछुआ दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं स्वागत सत्कार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुरारा कस्बा पहुंचकर निषाद पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व मछुआ दिवस पर मछुआ समुदाय के लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के नेताओं से बातचीत की जाएगी। उन्होंने जनसभा में मौजूद निषाद समुदाय के लोगों को लखनऊ में होने वाली रैली में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। जो आपकी पार्टी है वो बीजेपी से यूपी में कितनी सीटें की मांग करेगी? लगभग 13 जनवरी 2023 को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था लखनऊ में, उसका गौरवपूर्ण उसका नाम था संकल्प। वो संकल्प लिया था लोगों ने कि हमारे सामाजिक मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनका एजेंडा मेरा मुद्दा है कि आरक्षण कालघाट में वापस निकालने वापस हुए, इनकी जो पिछली सरकारों ने डाली और इनके जो कानून, तो जो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, सीटों का कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा केवल इनका है कि रोजी रोटी इनका छीन लिया गया वापस, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और सीट भी देंगी, वादा हुआ और अच्छी खासी सीटें मिलेंगी समय आने की। तो पहले तो हम लोग 21 नवंबर की तैयारी है और आरक्षण पर चल रहा है।